भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सब लोग मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव जीतेंगे। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम रायबरेली में मौजूद है और आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा के पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को होना है और 16 लोकसभाओं पर जो है मतदान होना है। इस क्रम में रायबरेली में भी वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 20 मई को ही जो है वोटिंग होनी है। आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल प्रोग्राम किस्सा कुर्सी के में हम जनता की क्या राय है रायबरेली को लेकर के, जनता किसके सर पे ताज पहनाएगी, इसको दिखाएंगे। आइए यहाँ मौजूद जनता से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पर। देखिए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। पहले अपना परिचय दे दें। कांग्रेस पार्टी के एक छोटा सा और सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है और देश में देश के बड़े नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी रायबरेली पर चुनाव। क्या जानना चाहते हैं? देखिए जिस तरीके से कल हम लोग 183 विधानसभा में खड़े हुए ऊंचा हार में और यहाँ से लगातार 3 बार मनोज पांडे सपा के सिंबल पर विधायक रहे हैं और कल उन्होंने जो है दल बदल दिया, अमित शाह के मंच पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली, तो आपको क्या लगता है कि 183 विधानसभा में मनोज पांडे कितना नुकसान कर पाएंगे कांग्रेस का? देखिए माननीय मनोज पांडे जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही गलत फैसला ले लिया, क्योंकि इस ऊंचाहार विधानसभा की सम्मानित जनता ने उनको बड़ा नेता बनाया और जब समाजवादी की सरकार थी 2012-17 में तो वो कैबिनेट में मंत्री रहे, उसके बाद उनको यहाँ का जो मुस्लिम समाज था और यादव समाज था वो भरपूर वोट कर रहा था और ब्राह्मण समाज भी भरपूर वोट कर रहा था। लेकिन जब वो कल मंच साझा कर रहे थे तो इस 183 विधानसभा की सम्मानित जनता बहुत अफसोस कर रही थी कि हमने गलत नेता को चुन लिया था और वो एक भाजपा का नेता निकला और अंदर खाने वो भाजपा का ही काम कर रहा था। हम लोग बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। हमने कई लोगों से विचार करे क्योंकि हम लोग जनसंपर्क में थे तो लोगों ने बताया कि भैया हम लोगों ने वोट करा था समाजवादी के नेता को, मनोज पांडे को नेता मानते तो उनको जिताया, इस विकराल स्थिति में ऊंचा हार विधानसभा में भाजपा किला नहीं ढा पाई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बड़ा धोखा दिया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल बयान भी दे रहे थे, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के विधायक हमें धोखा दे के भाग दिया। देखिए क्या लगता है आपको कि जो है रायबरेली में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस राहुल गांधी लड़ रहे, क्या लगता है किसकी सर यहाँ से कौन जीतेगा? और इस मंच तक पहुँचने के लिए मैं आपको कोट कोट बधाई देना भी चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ इंडिया महागठबंधन एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर जनता किस मुद्दे पे, आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? जैसे बीजेपी के दावे हैं कि बीजेपी सबको फ्री में राशन दे रही है, ठीक है, देश को जो है विकसित करने का काम बीजेपी ने किया और बीजेपी निरंतर आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने 70 साल खाली देश को जो है ठगने का काम किया है, तो आप किस तरीके से देखते हैं, किस बेस पे आप वोट करना चाहेंगे? देखिए कांग्रेस ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहने का काम किया है 50-60 साल में मिलीजुली सरकारों ने, जिस सिलेंडर को हमने 400 रुपए में बेचने का काम किया है आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल में उसे 1200 रुपए में बेचने का काम कर रही है। जो उन्होंने जो बाइक टू व्हीलर है जो 60 साल सरकारों ने 50,000 में बाइक बेचने का काम किया है आज भारतीय जनता पार्टी वो जो है 1,00,000 के पार बेचने का काम कर रही है। जो बुक मैंने 100 रुपए में खरीदने का काम किया है आज वो भारतीय जनता पार्टी 20 रुपये में बेचने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, 2014 में कांग्रेस पार्टी ने इंडिया महागठबंधन के साथियों ने 2700 रुपए में सोना छोड़ करके गया था मैंने, आज वो 86,000 में सोना बेचने का काम कर रही है। और बीजेपी कह रही है कि इंडिया महागठबंधन के लोग मंगलसूत्र बेचेंगे, इन्होंने मंगलसूत्र बेचने का काम खुद कर दिया।
आज देश की जनता जाग रही है। आज हम उनका जवाब तब देंगे, उन्होंने कहा ना 5 किलो राशन क्या देते हो, आप एक महीने की सब्जी खरीद करके देख लो साथियों, मैं समझ जाऊं कि आप देश हित में काम करेंगे। और आप लोग कहते हैं, आप लोग कहने का काम कर रहे हैं कि हम देश में विकास किया है ना, यही विकास देश का हुआ साथियों, महंगाई आसमान छू रही है, तार-तार हो रहा है। महिलाएं भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है, पंजे पे वोट देंगी क्यों? मोदी जी तो राशन देते हैं ना फ्री में, फिर पंजे को क्यों वोट करेंगे? आपका क्या नाम है, किसको वोट कर रही हैं इस बार? पंजे पे क्यों? पंजे में क्यों पा रहे हैं कि 8 साल से ऊपर क्या सम्मान रहे, इनको बच्चे भी मांग पाल रहे हैं, ना हमको पेंशन मिल रही, ना हमको कानूनी मिल रही, ना हमको खाली राशन मिल रहा था। मोदी जी तो फ्री राशन दे रहे हैं ना, मंच पे कहते हैं कि हम फ्री राशन, हमारे बच्चे भी ठुमट मार डालेगा ऊपर क्या सम्मान, हम लोग भीख मांग रहे हैं, हमारे यहाँ 4 दिन से खाना नहीं बना, बताओ हम लोग क्या करके खाएं, मजदूरी भी खत्म हो गई, रखते नहीं, बीमार हो हजार हो बताओ, जो हमारे पास पैसा नहीं होगा तो पैसा इलाज करेंगे। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, राहुल गांधी ने कहा है कि मनरेगा की रकम वो 2 गुना करेंगे, और मनरेगा जो योजना है वो कांग्रेस की योजना थी। आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, सबसे बड़ा जो वादा उसमें है कि मनरेगा मजदूरों की जो आय है वो दुगनी करने का काम राहुल गांधी करेंगे अगर देश में उनकी सरकार बनती है। आप इस तरीके को किस तरह से लेते हैं? कार्यकर्ता हूँ माननीय हमारे अखिलेश यादव जी, जब उनकी सरकार थी उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया था, उसके बाद बीजेपी हमारे यहाँ आ गई तो बीजेपी का कार्यकाल अच्छा नहीं ना रहा, ना उन्होंने विकास किया ना कुछ किया, जिससे बेरोजगारी और महामारी बहुत ज़्यादा फैल गई हमारे यूपी के अंदर। तो हमारे सपा अखिलेश यादव जी ने महागठबंधन एक पार्टी बनाई जिसमें सारी पार्टियों का सहयोग था और सब लोग मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और माननीय राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव जीतेंगे। देखिए जिस तरीके से आप सपा से हैं और आपके नेता अखिलेश यादव हैं, और आप जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूँ 183 विधानसभा ऊंचा, यहाँ से लगातार सपा के सिंबल पर मनोज पांडे 3 बार विधायक, ये 3री बार सिटिंग विधायक हैं, कल लेकिन उन्होंने पाला बदल दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, तो आप किस तरीके से देखते हैं? आपके नेता तो बीजेपी में चले गए ना, तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे इसकी? अब उनका मानना मतलब था जो वो चले गए बीजेपी में, बहुत गलत काम किया, हम लोगों का बड़ा विश्वास था और बड़ी मतलब वो थी कि हमारे विधायक जी रहेंगे साथ में, लेकिन उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। आने वाले चुनाव में फिर यहाँ पे चुनाव होगा, फिर उसके बाद विधायक जी का यहाँ होगा, तो उनको पता चल जाएगा कि क्या है यहाँ पे कैसा, उनको सब समझ में आ जाएगा। देखिए और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे जानेंगे। क्या नाम है आपका? नग्गन। चुनाव होने वाले हैं 20 तारीख को, वोट पड़ेगा जी जी, है ना, वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे जाएंगे। किसको वोट करेंगे? कांग्रेस। क्यों? अरे वो कांग्रेस सब देख रही, सब कर रही है, तो दे रहा हूँ। तो जैसे मोदी जी का वादा है कि सबको वो फ्री में राशन बांट रहे हैं, तमाम सारी सुविधा दे रहे हैं, उसके बाद भी आप कांग्रेस में ऐसा क्या देख रहे हैं जो कांग्रेस में? हम तो दे रही है और देगी ज्यादा, उससे ज्यादा दे रही है, ज्यादा हमको दे रही है। 10 किलो राशन का वादा किया है, 1 लाख रुपया देंगे युवाओं को, नौकरी मिलेगा, 400 रुपया बढ़ा देगी। तो इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे? जी हाँ जी जी। कितने वोटों से? बहुत जीते, 5 लाख वोट से। 5 लाख? हाँ। तो देखिए ये रायबरेली की 183 विधानसभा थी और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम यहाँ पहुँची थी। आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव है और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं दिल्ली का रास्ता तय करता है और उत्तर प्रदेश से ही देश की सरकार बनने का काम होता है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं और रायबरेली जो कि वीआईपी सीट है, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई थी रायबरेली की, जो सोनिया गांधी के यहाँ से चुनाव लड़ी थी। इस बार उनके बेटे राहुल गांधी रायबरेली की वीआईपी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और जैसा कि आपने पब्लिक ओपिनियन में देखा कि
जनता जनार्दन का कहना है कि तकरीबन 5 लाख वोट से राहुल गांधी जीतने वाले हैं। ये तो 5 मई को ईवीएम में कैद होने के बाद 4 जून को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि किसके सर पे ताज बनता है। मोहम्मद हाफिज, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, रायबरेली।